बाकी हाँ नहीं आपकी तो बात मुझे फिर गाली अरे दोगे, रहने दो, बात कर तू लो। कौन है भिखारन जो हम लोग तेरा फैसला करें। तू हमारी सिर्फ एक गुलाम है जिसको हम बोलेंगे कि ये कर तो वो करेगी। मैं और किसी जिस की दिन गुलाम हमारे खिलाफ नहीं हूँ, गई, ठीक है सुन ना? सुन 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 पहले मेरी बात, जिस दिन हमारे खिलाफ गई उस दिन तू लाइव भी नहीं चालू करेगी, तेरी आईडी भी नहीं दिखेगी, मैं तेरा तो लाइव वजूद भी चलाती नहीं ही रहेगा। नहीं हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है सुन लाइव के सुन लिए। मैं सुन तो तुम सुन ही लोगों के इसके साथ ऐड हो अलावा जाती हूँ। कब आगे की देखा है बात आपने मुझे सुन, लाइव चलाते हुए? सिर्फ आगे की अपनी बात अपनी सुन, आगे बोलते की हो, बात सामने वाले सुन, की तो सुनते नहीं हो। आगे की बात सुन, जो इंस्टाग्राम में अपने आप को बाप मानता है उसने तुझे ऐड भी कर लिया, मैं उसकी आईडी की भी मां चोद दूंगा। तो सिर्फ हमारी गुलाम की तरह रहे और गुलाम की तरह रिएक्ट कर। ये हंस ले या रो ले मुझे उससे कोई मतलब नहीं, सब जनता जानती है कि तू ओवर एक्टिंग करती है और सिर्फ तुझे फेम चाहिए, मुझे फेम सिर्फ तुम बहुत फेम मिल की चुका भूखी है। औरत है, फेम की भूखी औरत। करो, मत बोलो इतना बुरा। मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया है? देख रहे हो पन भाई, मुझे मत कितना बोलो बेशरम फैसला हो रहा है, करने तो सोच वाले। रही कि 200 लोग एक फॉलो कर मिनट, लें। ये मैंने फिल्टर लगाया है या नहीं लगाया है, कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ नहीं लगाया था, अब फिल्टर की लगा रहा हूं जरूरत मैं क्या? फिल्टर, तुम तो अब वैसे मैं भी लगा रहा बहुत हूँ अच्छे फिल्टर। मैं लगते कब हो। से सोच रहा हूं मैं इतना बदसूरत क्यों दिख रहा हूं, अब फिल्टर लगाऊंगा मैं क्यों पीछे रहूं भला, ये फिल्टर लग गया। तो तू मुझे ये बता कि तेरी इतना फर्क नहीं पड़ा इस फिल्टर से, एनीवेज तू मुझे ये बता कि तेरी और उसकी लड़ाई है, वो रितु बावली को हम जानते भी नहीं है, ना तो मैं जानता हूँ ना तो ये नहीं, ये बाबा तो जानता जानते है। हैं, इन्होंने गाली अरे वाली दी थी पनौड़ी भाई, उसको। मैं रैंडम लेके किसी को भी गाली दे देता हूँ तो क्या इसका मतलब मैं उसको जानता हूँ? पनौड़ी भाई आप बताइए। और उसके बाद उसने आपको ब्लॉक कर दिया था। हाँ तो ब्लॉक कर दिया, मेरे को तो हजारों लोग ब्लॉक करके बैठे हैं। तो अब वो कैसे आएगी यहाँ पे? देखो बात ये है कि देखो टाप बुरा मत लगाना, लेकिन बात मैं तेरी सच्चाई लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है? हाँ बताए, देख प्लीज कुछ टाप, गलत मत बोलना। गलत नहीं बोल रहा हूं मैं सच्चाई बोलता हूँ, सब लोगों को पता है। सच्चाई ये है कि भाई तू एक ऐसी औरत है कि जहां पे फेम बढ़ता है वहां पे तू चली जाती है। ये रितु बावरी नाम की जो औरत है उसके साथ तू फालतू में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है कि लोग तेरे अकाउंट पे आए, लोग तुझे जाने पहचाने, और तूने अभी जो अपना कैफे खोला है उसकी तू उसका तू मार्केटिंग करना चाहती है किसी ना किस तरह के। तो ये तेरी सारी चालें है ना, वो तेरी सारी चाल मैं समझता हूँ, समझ रही है? यहाँ पे कंट्रोवर्सी मेरी लाइफ पे करना मतलब कि एक की आईडी जाएगी। बता अब तू रेडी है? अब वो रितु उसको वो लाइक करती है, वो क्या नाम है उसका, लवेश को, लवेश उसको लाइक करता है, लवेश तुझे लाइक नहीं करता है, उसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है भाई बता तू मुझे। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। अरे मैं पनोड़ी भाई, सच बोल 64,000 की इसकी रही आईडी है, 64,000 की आईडी। इसने लास्ट वीडियो डाला जिसमें 2500 व्यू, सेकेंड लास्ट 3400 व्यू, थर्ड वीडियो 8,000 व्यू, फोर्थ वीडियो 6,000 व्यू। ये फेक फॉलोअर वाले लोग हैं, फेक फॉलोअर वाले लोग। पर मैंने तो कभी फॉलोवर बढ़वाए नहीं है। मेरी आईडी डाउन चल रही है, रिपोर्टिंग चल रही है, कोलैब कोऑपरेशन हाँ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ आईडी रहा। डाउन चल रही है, फॉलोअर ग्रो चल रहे हैं, फॉलोअर अभी 2-3 दिन बाद 1 मिलियन ना पहुंच जाए तुम्हारे। नहीं करूंगी मैं 1 मिलियन, इतनी जल्दी नहीं अरे करूंगी। इन लोगों का यही काम है, इन लोगों का काम मैं बताता हूँ क्या है, इन लोगों को कुछ भी करके मेरी लाइफ पे क्या आना मैं है, 1 मिनट, इन लोगों को मेरे साथ नहीं मतलब कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करके मेरी लाइफ तक पहुंचना है। उसके बाद ये लोग ये सोचते हैं कि जैसे महाजन को फेम मिला, महाजन की आईडी लुढ़क पड़ी थी, डेड हो चुकी थी, महाजन की आईडी पे 17-80 लोग लाइव देखने के लिए आते हैं, आज उस बंदे की लाइव देखते हैं 150, 200, 300 लोग, ठीक है? क्योंकि मैंने वहां महाजन को गाली दी थी 5-7 दिन पहले। तो ये लोग अब यही चाहते हैं कि पनौड़ी के नाम का फेम खाओ, पनौड़ी हमें गाली देगा और हम लाइव चलाएंगे तो उसके बाद पब्लिक हमें देखने के लिए आएगी। ये लोगों ने ये सारी चीजों को अब कॉमन कर दिया है, क्या मैं समझता नहीं हूं टाप? नहीं, आप बहुत समझदार हो, बट मेरा और आप मिश्रा जी से यही कहना है, बैड बॉय। हाँ, तो मेरा बस यही कहना है कि देखो, आप
लोग जो है ना मेरे लिए बहुत खास हो चुके हो, भले ही आप मुझे सोशल मीडिया पे मिले हो पनौड़ी, यू नो ना अरे कि तू जब हम भी लोग कोई प्रॉब्लम खास होती है मैं नहीं है, आपके तू हम साथ। लोगों को मालिक बोल कि मैं तुम्हारी गुलाम हूं और आप हम लोगों के मालिक हो। करेक्ट करो अपने देखो वर्ड को। कहीं ना कहीं तो इनको भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ मैं ठीक लड़की हूं, और आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते ही हो। कौन से मैं तेरे बारे में क्या जानता हूँ? तू तो ऐसी बात कर रही है कि तेरे बैंक की अकाउंट डिटेल्स मेरे पास है। तू तो ऐसे बात कर रही है कि नहीं तेरे नहीं माँ बाप को, तेरे पूरी फैमिली को मैं पनौड़ी जानता भाई, हूँ। मैं पनौड़ी भाई, मैं टैप्स को पर्सनली जानता हूँ। बहुत अच्छी लड़की है, मोमोज का स्टॉल लगाती है, और चोर फोर्थ फ्लोर में इसने एक वो दुकान किराए पे थर्ड लिए, फ्लोर वहां पे है, मोमोज भूल बेचती जाते हो बार 45 बार। रुपए प्लेट थर्ड के हिसाब फ्लोर, से। थर्ड फ्लोर, फोर्थ नहीं, थर्ड 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 फ्लोर। तू गुलाम है हमारी। मैं तुम्हारी गुलाम बनने को तैयार हूं, हाँ तो गुलाम ही रहे। वीडियो मत बना देना इसकी, डर लगता है। कभी भी खींचा तो चलो इसको यहाँ, इस पक्षी को यहाँ हटाने के बाद, ठीक ठीक है मैं है भाई, चलती हूँ, मैं देखो जरा कंफर्म कर लूँ कुछ। ठीक है आप लोग लाइफ चली जाए चलाओ, यहाँ मैं कुछ चली से, जाती हूँ, जा बाय किसी बाय। और की लाइफ में बैठ के फेम बटोर 200-300 व्यूअर वाले नहीं में। नहीं 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 अब मैं जा रही हूँ, मेरा सोने के टाइम हो गया, मुझे सुबह मोमोज भी तो बेचने जाना है, भूल गए क्या? टाइम से 45 उठना रुपए होता है ना प्लेट सुबह। बेचेगी मोमोज। 40 रुपए नहीं है, 150 रुपीज। आप भी आना कभी खा के देखना। मेरे पर मैं मोमोज नहीं खाती हूँ इतने गंदे दिन नहीं हो कि 40 रुपए प्लेट वाले मोमोज खाऊं। चली यार, हद है यार, जा मतलब इतना गुलाम पैसा लगा के यहां से, कैसे भाग भी। यहां से गुलाम कहीं की, नहीं तो तेरी आईडी उड़ा देंगे। भाग जा यहां से, अरे प्यार से बोलो ना, टाटा बाय बाय भाग बोलो ना मुझे, मादर प्लीज चोत। गाली मत दो, मेरा दिल दुखता है जब तुम गाली देते हो तो। बाय, जा रही हूँ मैं। भाग यहां से, भाग। भाग गई है। गुलाम है वो अपनी, वो गुलाम को जब लात मार के भगाएंगे भाग जाएगी। हाँ तो ये मोहित चुदान है, वो अपनी तीनों आइडिया डीएक्टिवेट करके वो भाग चुका है भगोड़ा। तो अब बताओ भाई मैं क्या करूं? अब बंदे ने हथियार ही रख दी है सामने। वो बंदा तो ऐसा बोल रहा था कि 5 दिन में मेरी आईडी उड़ा देगा, तो भाई तूने क्यों खुद अपनी आइडिया डीएक्टिवेट कर ली? भाई इतना रूड भाई। हाँ तो ये क्या नाम था उसका? भाई देखो आज के बाद तो किसी से किसी की भी कंट्रोवर्सी को यहाँ लाइव के ऊपर, भैनचोद तुम लोग यहाँ हराम का फेम खाने के लिए आ जाते हो मादरचोद। यहाँ पे अरे भैनचोद तुम लोगों को पता है कि लाइव पे आओ, भैनचोद फालतू की कंट्रोवर्सियां चोदो और फिर हमारे व्यूअर्स बढ़ेंगे, हमको लोग देखने के लिए आएंगे। यही तुम लोगों की स्ट्रेटेजी रहती है। सारी चीजें अब मेरे दिमाग में आ रही है। अभी तक तो मुझे पता मत चलता था कि ये हरामी लोग मेरी लाइफ पे क्यों आके बैठते हैं, लेकिन अब मुझे सारी चीजें पता चल चुकी है। भाई बाबा तुम सच बताओ, ये महाजन की लाइफ पे आज से जब उसके साथ गाली गलौज मेरी अभी 5-7 दिन पहले हुई, ये गुड्डू की उसकी कंट्रोवर्सी को लेके, उससे पहले उसकी लाइफ पे कितने लोग आते थे? लाइव में आते थे कोई 60-70 ऐसे लोग आते थे। 60, 70, 80 लोग आके बैठते थे, ठीक है। ये गुड्डू की कंट्रोवर्सी उसके साथ हुई, उसके बाद गुड्डू को हमने सपोर्ट नहीं किया। मैंने ये बोला कि भाई गुड्डू को मैंने गाली दी थी, इसलिए मैंने गुड्डू को मेरी लाइफ पे बिठाया, क्योंकि उसको अपनी बातें लोगों के सामने रखनी थी। उसके बाद वो बंदा तो चला गया, और ये गुड्डू भी अब भैनचोद ये बोल रहा है कि किसी को गाली मत दो, कंट्रोवर्सी ये मत करो, वो मत करो। अरे भौसड़ी के, तुझे वो हर रोज तेरी गांड मारता है तब तुझे पता नहीं चलता? ये भैनचोद आपस में सब मिले हुए है, ये भैनचोद, ये मोहित चौधरी। ओ सुनो मोहित चौधरी, भौसड़ी के तू लाइव चलाता है और भैनचोद वहां डीएम में जाके, हाँ कपिल भाई साहब, हाँ मदान भाई साहब, वहां पे तू बहनचो भाई साहब करके बात करता है, और यहाँ बहनचो फेम बटोरने के लिए तू लाइव पे आके बकचोदिया पेलता है तू?
उसकी आईडी भी उड़ा देंगे। अदालत की तोहीन हुई है पनोड़ी भाई, अदालत की तोहीन हुई है। जो भी सस्पेक्ट था और जिसने केस रजिस्टर किया था, उन दोनों की आईडी चाहिएगी, दोनों को सजाए मौत मिलती है। ये डिसीजन है फाइनल, इन लोगों को मानना हो या नहीं मानना हो भाई, आईडी डीएक्टिवेट करके भाग जाओ, नहीं तो आईडी उड़ जाएगी। अदालत की तोहीन हो गई, 5 दिन से ये जनता का चूतिया काट रहे हैं। केस जब रजिस्टर है तो वो कहते हैं ना पनोड़ी भाई की हाई कोर्ट पे भरोसा रखो, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखो, मां चोत के चले गए अदालत की। चलते केस में ऐसे कोई चला जाता है क्या? अरे मुझे तो आज ही अभी सूत्रों से पता चला कि ये बहन के लौड़े सब डीएम में जाके एक दूसरे से बात करते हैं। ये इसको लीजिए ना पनोड़ी भाई, कुत्ते वाला को, ये भी बताएगा, ये भी अपना पक्ष रख देंगे। कुत्ते वाला को, कुत्ते वाले की भी दोनों आइडिया उड़ा दो, बहुत हुआ ये कुत्ते वाले का भी। कुत्ते वाला आ गया। एक साला नीचे लिख रहा कुत्ते वाला बो बो मादर चोद, कितने हरामी लोग है भाई ये। और पनोड़ी भाई राम राम भाई, गिराओ इंसान भाई, राम राम। और सूफी सूफी भाई सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ पे बैंचोत मैं अपने पैसे लगाता हूँ, हैकर को बैंचो मैं ठोक ठोक के पैसे दे रहा हूँ, और ये बैंक के लोड़े डीएम में जाके एक दूसरे के साथ बैंचो बतियाते हैं, ठीक है। वो चुदान ने अपनी तीनों की तीनों आईडी डीएक्टिवेट कर दी, अब मेरे तो पैसों की मां चुद गई ना। कोई बात नहीं, मैंने तो कल बैंचो लाइव से उतरते ही मैंने तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दिया तीनों आईडी का। पनोड़ी भाई वो नीचे से कमेंट कर रहा है, मोहित चौधरी उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, और उनको भी अपना वो जो भी अल्टीमेटम है दे दीजिए, आप फाइनल कर दीजिए, क्योंकि ये डेली डेली का रंडी रोना खत्म करके आज एक ही दिन में सॉर्ट कर देते हैं अपन सब। आप जो भी सुना ना बोल दीजिए। जय भोले की। आपको किसने बोला? हाँ जी, आपको अरे मेरे पास प्रूफ है, तू डीएम में जाके कपिल को भाई साहब बोलता है, तू चुदान को बोलता है कि सुनो भाई साहब ये हुआ वो हुआ, तो हम लोग चुपचाप है क्या? मैंने चुदान को भाई साहब बोला होगा तो मेरी आप तत्काल में आईडी उड़ा देना। अच्छा एक बस 5,500 डॉलर भेजे कल मैंने तीन आईडियो के लिए, ये सब 5,500 मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैंने उससे एक ही चीज बोली है। 5,500 रुपया नहीं है भोसड़ी के, 5,500 डॉलर भी देने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनो पहले, पहले मेरी बात सुनो, मैं केवल उसके लिए उससे इसलिए गया कि भाई तू लैक्मी के बारे में मत बोल, तुझे लड़ना है तो तू मुझसे लड़, और यही बात है मेरे पापा से भी। एक बात बताओ मोहित चौधरी, सूफी भाई आप भी बताना, बकचोदी में कोई लिमिट होती है क्या कि भाई आप ये मत करो वो मत करो? अरे बाबा वो लड़की परेशान है तो बताइए उससे, जब वो भाई सुसाइड करने के लिए तैयार बैठी है, एक बात बता दो मैं क्या करूं। बात कर रहा है भाई मोहित भाई, मोहित भाई, मोहित मोहित चौधरी, इतने इतनी दुनिया देखी है, इतनी दुनिया देखी और इतना जीवन काट लिया भाई, जो बोलता है ना कि मैं सुसाइड कर लूंगा सुसाइड कर लूंगा, वो कभी सुसाइड नहीं करता भाई। बाबा मेरी बात सुनो, एक लड़की भाई जब उसका कोई मैटर नहीं है, वो किसी को गाली नहीं दे रहा, देखो ना तो वो मेरा कुछ बिगाड़ सकता ना वो पनोड़ी जी को कुछ बिगाड़ सकता, ठीक है। वो केवल किस चीज को टारगेट करता है? लैक्मी की वीडियो को, वो चुदान। तो लैक्मी को बोलो नजीक के पुलिस थाने में जाए, वो सब चीज, वो सब चीज हो चुकी है, वो सब चीज हो चुकी है, जल्दी आपको एक दो दिन में रिजल्ट भी मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। पर आप मुझे ये मत बोलो कि मैं किसी भोसड़ी वाले को भाई साहब बोल के आया हूँ। अरे ये बात सुनो गिरावा इंसान भाई, एक दिन क्या हुआ, शेरनी भाई लाइव पे बैठी थी, शेरनी तो लाइव पे नहीं, ऐसे डीएम में बात हुई मेरी, तो बोल रही कि मैं मर जाऊंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी भाई, ये बीवी बैठी है मेरी पास में, मेरी गुलाम है ये, तो थप्पड़ मार दिया बहन चो, 2,000 लोग बैठे हैं। हाँ तो भाई 4,50,000 रुपये होते हैं, 5,500 डॉलर मतलब बैंचो मजाक बना के रखा है तुम लोगों ने मेरा। 5,000 देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी बात तो सुनो, 4,50,000, चलो मैं 4,50,000 देने के लिए भी तैयार हूँ, पर ये तो बताओ बैंचो चूतिया समझ रखा है क्या तुम लोगों ने मेरा? पनोड़ी भाई मेरी बात सुनो, केवल मैं उसको ये बताने गया था, मेरी बात सुनो, मैं हर चीज का रिकॉर्डिंग रखता हूँ, जिस फोन से चल रही है इसी फोन में रिकॉर्डिंग नहीं दिखा देता मैं लाइव में।
यहाँ पे व्यूअर्स जो बैठे हुए हैं, पहले तो तुम लोग लाइव पे जब को लेते थे। एक सेकंड पनोड़ी भाई, एक सेकंड, आपके पास प्रूफ है ना, आप वो ग्रुप की चैट दिखा दो, ग्रुप की चैट दिखा दो। हाँ मैं ग्रुप, एक सेकंड मैं यही दिखा देता हूँ आपको, ये रही, लो लो लो, एक सेकंड दिखा दो, आप प्रूफ की चैट दिखा दो। हाँ मैं प्रूफ की चैट दिखा देता हूँ, खुद मेरे पास खुद फोन आया, ये दिखा लो, अरे ग्रुप की चैट दिखा दो, आप तो ग्रुप की चैट दिखा दो, हम मान जाएंगे भाई। ये देखिए, अरे ये क्या, ये तो कॉल में बात हुई है, कॉल में बात हुई है, मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है, और मैंने बोला कि भाई तू सुन मेरी बात, तेरे को ये लगता है कि तू लैक्मी के लिए कर रहा है, और लैक्मी को बदनाम कर रहा है, तो भाई एक काम कर, आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग है? हाँ इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अरे मैंने उसे ये भी खराब कर दिया, मैंने उसे, पनोड़ी भैया इसने तो मोहित का कैरियर खराब कर दिया भाई, सबके सामने बोल दिया भाई वो HIV पेशेंट है, ऐसे थोड़ी बोल सकता है भाई कोई। अरे HIV पेशेंट के चलते लोगों के पैसे लूटता है, वो 20,000 रुपए लिए उसने एक बंदे के। पनोड़ी भाई मेरी मेरी लड़ाई या सूफी भाई मेरी लड़ाई किसी से भी होगी, मैं उसको मैसेज नहीं करूंगा, मेरी गांड में दम होगा, मैं उतनी मेहनत कर लूंगा, मैं मैसेज नहीं करूंगा। मैंने मैसेज नहीं किया, मेरी बात सुन लो, आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ प्रूफ, लो देख लो, एक मिनट, मैंने मैसेज नहीं किया, मेरी गांड नहीं फटती बाबा, देखो अब आप क्या हो, नंगड़ आदमी कंबल मत नीचे कर दियो भाई, सामान दिखा देना भाई। यार भैया कैसी बात कर रहे हो आप, ये लो, आप तो एक काम करो, रिकॉर्डिंग सुना दो ना, जो भी बात हुई रिकॉर्डिंग सुना दो। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो सुबह की मिस कॉल है भाई, ये आज सुबह की, मैंने बोला आपने, आपका फोन आ रहा था बोलो, हाँ ये फिर मिस, ये फिर उनकी कॉल आ रखी है, ये देख लो आप, मैंने बोला भाई, उसने बोला ये देखो, फिर उसकी मिस कॉल, उसने मुझसे बोला कि भाई मेरी बात सुन, उसने खुद मुझसे बोला कि भाई मैं इतना व्यापारी आदमी, इतना बड़ा आदमी, भाई 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 आप रिकॉर्डिंग सुना दो, क्या बात है, रिकॉर्डिंग सुना दो। मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं दूसरे फोन से ऐड होता हूँ। हाँ रिकॉर्डिंग सुना दो ना आप।